फिर आराम से देखिए ये तो पानी आ रहा है इसमें से चिकन वाला ज्यादा मजेदार है अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग शालट विल जा रहे थे जहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो बहुत ही ख़ूबसूरत और प्यारा सा ये इलाका है और वहाँ का तुर्क स्ट्रीट फूड है वो भी बड़ा फेमस था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी अपने साथ ले जाती हूँ और वहाँ की सैर करवाती हूँ और रास्ते में हम बहुत बड़े हादसे से बचे वो भी आप लोग देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो तो मैं अभी आप लोगों को हादसे के बारे में बताती हूँ पहले ये क्लिप देखिए आप से, से हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं ये नहीं दिया, 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 दिया� अच्छा अभी आप लोगों ने ये क्लिप देख लिया होगा जहाँ पे हम कह रहे हैं डियर डियर असल में ना हम लोग बड़ी यानी कि जितनी स्पीड होती है सिक्सटी फाइव स्पीड या सेवेंटी फाइव थी आई थिंक इस स्पीड पे ना गाड़ी चला रहे थे और अचानक से हिरन सामने आ गया बस हम लोग बाल बाल बचे हैं एक्सीडेंट से अल्लाह का शुक्र है उस वक्त तो ऑलमोस्ट हमारी जान निकलने वाली थी कि अचानक से हिरन सामने आ जाए गाड़ी की और गा... अड़ी को ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा स्पीड पे और अमेरिका में बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं हिरन की वजह से क्योंकि ये यह यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं और किसी भी साइड से हिरन वगैरह निकल के ना सामने आ जाते हैं तो हम भी बड़े मज़े से ड्राइव कर रहे थे तो अचानक से हिरन सामने आ गया लेकिन हिरण भी अलहमदिल्ला बच गया हिरन ना बड़े छोटे से लगते हैं बकरी के बच्चे की तरह या बकरी की तरह लेकिन जब ये गाड़ी पे आके इतनी हाई स्पीड से लगते हैं ना तो अच्छा खासा गाड़ी भी डैमेज होती है और अगर इस तरह के नैरो रोड हो तो गाड़ी संभालना भी मुश्किल हो जाता है तो चलिए जी अल्लाह का शुक्र है ये तो बचत हो गई हम लोगों की तो मैं आप लोगों को ये व्यू दिखाती हूँ कितना प्यारा कोई व्यू है यहाँ पे ना हर तरफ ग्रीनरी थी पहाड़ भी थे मतलब पहाड़ वाली एक साइड पे पहाड़ थे और एक साइड पे जंगल था और साथ में रोड नैरो सा और बहुत ही प्यारा सा कोई व्यू आ रहा था ना और जितना ही आप लोगों को अभी नजर आ रहा होगा ना कैमरे में अच्छा उससे कई गुना ज़्यादा ये रियल में प्यारा था और वैसे भी जो ने, नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो बंदा अपनी आंखों से देखे तो वो हमेशा बंदे को याद रह जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर वीडियो में देखें तो वो तो बंदा थोड़ी देर बाद भूल जाता है हाँ ये मैंने देखा था लेकिन जब बंदा खुद उस जगह पे मौजूद हो और अपनी आँखों से वो सारी चीज़ें देखे तो वो उसको सारी उम्र याद रहती हैं और ये बहुत ही अच्छा हम लोगों को ये व्यू लगा और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ तो अभी हम लोग स्टोर पे आ गए थे यहाँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने वो सामान वग़ैरह डिलीवर करना था तो अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी ट्राई कर रही थी आप लोग बताएँ आप चाय लवर हैं या कॉफ़ी लवर हैं मुझे तो दोनों ही मैं पी लेती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इनकी क्रेविंग नहीं होती तो यहाँ पर मैंने हॉट चॉकलेट ट्राई की थी फ्रेंच वनीला भी ट्राई की थी हॉट चॉकलेट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि हम लड़कियों को ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा मीठा भी इसमें ज़्यादा होता है तो इस वजह से मुझे हॉट चॉकलेट ज़्यादा मज़े की लगी थी और यहाँ के बाद हम लोगों ने अपने मैप में ही देखा था कि तुर्क स्ट्रीट फूड कहीं से मिलता है तो हम उस जगह पे आ गए थे अभी मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करने गए हैं और मैं और हुसनैन इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं यहाँ पे मतलब आ, सारा तुर्की स्ट्रीट फूड है मैं बस ये ढूंढती रहती हूँ कि पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड भी कहीं से मिले लेकिन हमारे आसपास कहीं भी पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड नहीं है मैं तो बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तान के वो नान और पकोड़े और साथ में पाकिस्तान का शवारमा इतना मज़े का होता था किसी छोटे से ठेले से भी बंदा ले लेना ये गोल गप्पे हो गए शवारमा हो गया तो बहुत ही मज़े का टेस्ट होता था और जो बन कबाब और बर्गर बस ये सोच सोच के मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा था बस मैं तो जब भी पाकिस्तान जाऊँगी ना इन ये सारी चीज़ें खा के आऊँगी क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ टेस्ट नहीं है जिस तरह पाकिस्तान चीज़ों का होता है ना यहाँ से अगर बंदा खुद भी बना ले और खा भी ले तो लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता ना जो हम लोग बाहर से ले कर खाते थे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ डे में तो यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे थे एक हम लोगों ने चिकन शवारमा बनाया था जो पीटा ब्रेड में चिकन डाल के और सॉस वगैरह और सारे सेलेड डाल के बनाते हैं वो बनाया था और दूसरा हम लोगों ने रैप बनवाया था उसमें वो बीफ श्रेडेड बीफ होता है ना वो वाला था और दोनों बहुत अच्छे थे चिकन वाला है हम लोगों को ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हम चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं एज़ कम्पेयर टू बीफ और मटन हम खा लेते हैं लेकिन बहुत इंजॉय करके नहीं खाते चिकन ज़्यादा मज़े से खाते हैं तो अभी हम लोग वही बनवा रहे थे आप लोग बताएं आप लोगों ने ये रैप और शवारमा ट्राई किया हुआ है शवारमा तो हर किसी ने किया होगा पाकिस्तान में तो बहुत ब... यानी कि बहुत ज़्यादा लोग खाते थे और मैं भी बड़े मज़े से खाती थी और हर जगह आसानी से मिल जाता था तो मैं तो बस सोच के बैठी हुई हूँ पाकिस्तान में गई तो मैंने एक लिस्ट बना के ले जानी है मैंने ये ये खाना है और इस इस दिन ये ये इस इसकी बारी आएगी एक तो पाकिस्तान की मिठाइयाँ और दूसरा शवारमा और बर्गर और बन कबाब बस ना मैं भी ये जब देख रही थी ना वॉइस ओवर करते हुए वीडियो तो मैं ये ही सोच रही थी तो अभी हम लोग दिखाते हैं इसका रिव्यू भी हम लोग को किस तरह का लगा था आप लोग एंड तक देखिएगा बिल्कुल मिस ना कहिए ट्राई करके बताए दोनों बारी बारी उसका दुबट्टा कैसे Good. वा, वा हुँ, हुँ, चिकन वाला ज्यादा मजेदार है स्लो बेटा गिर जाओगे स्लो चलो स्लो बेटा ध्यान से क्योंकि ये रोड थोड़ा नीचे को जा रहा है तो गिर जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता भागना नहीं है चलना है यहाँ पे अभी हम लोग बाहर आ गए थे बस आलमोस्ट शाम हो चुकी है तकरीबन अब ना गर्मियों में तकरीबन साढ़े आठ नौ बजे तक भी बंदे को दिन दिन लगता है और वैसे भी हम लोग सिटी एरिया में थे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की और थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली और हुस्नैन बड़ा इंजॉय कर रहा था हर तरफ़ भागा फिर रहा था क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं ना वहाँ इतनी चहल पहल नहीं होती आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि बहुत कम लोग होते हैं वो भी अपने घरों में होते हैं ये असल में सिटी का डाउन टाउन यानी मेन एरिया है तो यहाँ लोग पैदल चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी वाला एरिया है अभी तो शाम है यहाँ पे बिल्कुल रश नज़र नहीं आ रहा लेकिन जब डे टाइम होता है लंच या डिनर टाइम तो बहुत रश होता है यहाँ पे बस अभी हम लोग घर की तरफ जाने लगे हैं उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा अगर तो पसंद आया है इसको लाजमी शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और मुझे फीडबैक लाजमी दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं तो इन नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग में मिलूंगी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें अल्लाह हाफ़